इतिहासक बोहड़ा जिहड़ा तुहाडे सामने कैमरे ते नज़र आ रहा बुचड़ा नूं कतल करता सी ते उस तों बाद फिर नामधारी सिखां नूं इहदे नाल टंग के फांसी दित्ती गई सी, इह उही इतिहासक बोर्ड आ उस उन्हां वेलिआं दा हूबहू उवें ही खड़ा वा। इसे तहत इसे बोर्ड दे टाणिआं दे नाल रस्से लमका के रस्से अंग्रेज़ां दे प्रवान नहीं सी कीते इन्हां ने, क्योंकि नामधारी भाईचारे ने की कीता सी कि आपदे रेशम दे वट्टे हुए रस्सिआं नूं आपदे आप गलां च पा के फांसियां ते लग गए सीगे, मतलब अंग्रेज़ां दा रस्सा भी प्रवान नहीं सी कीता। हांजी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज इक फिर एक इतिहासक थां दे उत्ते आ पहुंचिआ वां। इस वक्त मैं श्री अमृतसर साहब दे विचां राम बाग दे नाल आ जांदी आ जगह नामधारी स्मारक, ते इह इतिहासक बोर्ड आ जिहड़ा तुहाडे सामने कैमरे ते नज़र आ रिहा, इस इहदे नाल इतिहास जुड़िया होया वा नामधारी सिखां दा, जिन्हां नूं कहा जांदा वी जिन्हां ने बुचड़ा नूं कतल करता सी ते उस तों बाद फिर नामधारी सिखां नूं इहदे नाल टंग के फांसी दित्ती गई सी, इह उही इतिहासक बोर्ड आ उस उन्हां वेलिआं दा हूबहू उवें ही खड़ा वा। सुन दसदे आ वी जदों बुचड़ां दा कतल करता सी तां नामधारी सिखां नूं इस बोर्ड दे नाल लमका के सज़ा दित्ती गई सी, फांसी दी सज़ा दित्ती गई सी, तां इधरले पासे जिहड़े कमरे आ इधरले पासे उहनां नूं कैद रख्या गया सीगा। इह अमृतसर दी गल आ जदों अंग्रेज़ां दा राज हुंदा सीगा। सुन मैं दसदिआं वी 4 मई 1848 नूं अंग्रेज़ां ने बुचड़खाने खुल्लण दी इजाजत दित्ती सी, ते बुचड़खानियां दे विच गऊ दा मीट वरतण दी खुल मिल गई सी, जिहदे करके सिखां दे विच भारी रोस सी ते नामधारी सिखां दे विच वी रोस सीगा। उन्हां ने कोशिश भी की 1856 च अंग्रेज़ अफसरां नूं मिलण दी, भाई ये गलत आ, काम इदां ना करो, पर अंग्रेज़ां ने कुछ समें लई रोकता, पर कुछ समें बाद फिर उवें खुल्ला चलन लग पिया काम। सुनो मैं दसदिआं वी घंटा घर दे कोले जिथे आपणा कह सकदे आं कि हरिमंदर साहब भी नेड़े पै जांदा, उत्थे जा के इन्हां ने बुचड़खाना खोलिया सी, तां सिखां ने समझिआ कि इह साडे गुरु घरां दी बेअदबी आ, इह नहीं होणा चाहीदा, जिहदे इवज़ दे विच उस तों बाद अगलियां रणनीतियां बणियां। अज सारी गल्लबात सुण दस्सांगे, इस इतिहासक महत्ता दी आपां गल्लबात अज करांगे। कोई इहो इतिहासक स्मारक बणिआ होइआ वा याद दे विच जिथे सूरमियां ने कुरबानियां दित्तियां सीगियां। एक ना संधि भी हुई सी महाराजा रणजीत सिंह दी अंग्रेज़ां दे नाल, भाई जदों भी तुसीं फौज लै के किसे गुजरना वा तां गऊ मास जां बुचड़खाने इहो जिहे काम नहीं तुसीं करने, मतलब गऊ मास नहीं वरतौणा, मतलब जिहदे करके वी साडा इह धर्म नूं हेठी, मतलब साडे धर्म दे प्रति तुसीं आपां गलत करोगे, मतलब तुहाडियां हरकतां नूं साडे धर्म दे खिलाफ़ मन्निआ जाऊगा। इह संधि भी हुई सी। सुनो दसदे वी जदों 1858 दे विच किरां रोक लाती सी उहनां ने अंग्रेज़ां ने, पर उदों बाद दे विच कुछ समां फिर खुल के सारा कुछ वरतण लग पिया सीगा, जिहदे करके कुछ जदों पाबंदी लाई तां उस तों बाद कुछ एक दो बंदिआं ने बुचड़खाने खोल ले, जदों बुचड़खाने खोल ले तां जिहदे करके उदों बाद सज़ा एक छोटा जिहा केस चलिया 50 रुपये जुर्माना ते 3 महीने की सज़ा, बाद च जुडिशियल कोर्ट ने उहनां नूं बरी कर दिता गया सीगा। सिखां दे विच भारी रोस सीगा, फिर की कीता सिंघां ने गुरमता जिवें अग्गे करदे हुंदे सी, जां उहनां ने आपसी राय मशवरा करके बुचड़खाने दे उत्ते हमला करता सीगा। तकरीबन दस्या जांदा वी 1871 नूं रात वेले बुचड़खाने ते हमला करता सीगा, जिहदे विच 4-5 बुचड़ मारे मार दिते गए सी, जिन्हां दे नां दसे जांदे वी उहनां वेलिआं दे विच जिहड़े उस समें प्रचलित सी कि पीरा जिउणा शादी अमामी नूं कतल कर दित्ता गया सी, ते आप खुद फरार हो गए सीगे। जदों पुलिस नूं इह घटना दा पता लग्गिआ वी आह कुछ हो गया, तो उन्होंने की किया कि 12 निर्दोष सिख फड़ ले सी, गिरफ़्तार कर ले सीगे वी इन्हां ने काम किया, पर जिन्हां ने असल दे विच कतल किए सी ओह फरार हो गए सीगे। जदों इह गल सतगुरु राम सिंह जी पास पहुँची उन्होंने कहा भी काम जो किया बाद च देखांगे, पहला जिन्हां ने कतल किया वो सामने आओ तो आपका जुल्म कबूल करो ताँ कि निर्दोषों नूं सज़ा ना हो सके। इस तहत फिर बुद्ध बाद च सिंघां ने आपदियाँ कह सकते हैं कि कोर्ट मूहरे पेश होए आपका जुल्म कबूल किया, जिहदे करके वह 12 निर्दोष फिर बरी हो गए सीगे। तो वह भी सारिया घटनावां इस थां दे नाल जुड़िया हुई ने, जिन्हां दे विचों कुछ नूं सज़ा केस चलिया लम्मा, उस तो बाद फिर कुछ नूं फांसी की सज़ा हुई, कुछ पाले पाणी भी गए जिन्हां विच वख वख नां आउंदे, जिन्हां दे विच फांसी भाई संत लहणा सिंह, संत बीला सिंह, संत फतेह सिंह, संत हाकम सिंह, संत झंडा सिंह, जिन्हां नूं 2 साल दे बाद फांसी की सज़ा हो गई सीगी। तो उस तो बाद कुछ काले पाणी भी गए जिन्हां विच संत लहणा सिंह लोपो के ते संत लाल सिंह सिपाही, ये जिन्हां नूं कहिंदे काले पाणी की सज़ा हुई सी, मतलब अंडेमान निकोबार वाले पासे भेजा गया सी। इस अपने लिए उही पाक पवित्र बोर्ड आ जिथे सूरमियां ने कुरबानियां कीतियां, क्योंकि घंटा घर जमा हरिमंदर साहब दरबार साहब के नेड़े पै जांदा वा, ये बेअदबी किवें बर्दाश्त कर सकते सीगे। तां इसे तहत इसे बोर्ड के टाणिआं दे नाल रस्से लमका के रस्से
अंग्रेजों के प्रवान नहीं सी कीते इन्हां ने, क्योंकि नामधारी भाईचारे ने की किया कि आपके रेशम के वटे हुए रस्सियां आपदे आप गलां च पा के फांसियां ते लग गए सीगे, मतलब अंग्रेजों का रस्सा भी प्रवान नहीं सी कीता। बाकी नामधारी भाईचारे का एक खास हुंदा भी जो भी चीज़ करनी आ अपनी करनी आ, साफ सुचम तो चिट्टे वस्त्र पा के रखना तुम आम देखते हो भाईचारे के इस तरीके होंगे, मतलब बहुत वड्डा बहुत वड्डिया कुरबानियां सीगियां। जो संत बाबा राम सिंह जी की गल चलती जो भैणी साहब पैंदा लुधियाने के पास उत्थे जन्म होया सी उन्हां दा, ते उन्हां ने की कीता सी जिहड़ियां गांधी ने नीतियां बाद दे विच अपनाईयां वो संत बाबा राम सिंह जी ने पहला नीतियां अपना लिया सी, मतलब जिवें डाक प्रबंध कहता सी भाई आपका डाक प्रबंध वरतो, अंग्रेजों का डाक प्रबंध नहीं आपां वरतना, ये खास गल्लां सीगियां। इहदे नाल उन्हां ने कहा सी चंगे घोड़े रखो, घोड़िआं दे नाल डाक प्रबंध चलदा हुंदा सी, सरकारी की अपना विदेशी कपड़े का बैन बैन करता सी, आपदे चलाओ आपदे बनाओ कपड़े, इस तरीके दी कई सी, मतलब एक सरकार दे बराबर सरकार दे नाल आपदे काम शुरू कर ले सी, बबी आपां सरकार ते निर्भर नहीं रहना आपां आपदे काम आप करने आ, मतलब ये गल्लां बातां सी उस समय। तो जिहड़े आ उह सामने इमारत दिस रही आ, कहा जांदा वी उहदे अंदर म्यूजियम भी बणिआ होइआ वा, जिथे उन्हां कुछ सूरमियां नूं उत्थे अंदर रख्या गया सी, कैद किया गया सी, उत्थों कढ के बाद दे विच इस थां दे उत्ते फांसी लाया गया सी। दर्शको सतगुरु राम सिंह जी का जन्म 3 फरवरी 1816 नूं भैणी साहब के नेड़े होया, भैणी साहब के विच होया सीगा जिथे लुधियाने के नेड़े पैंदी थां इह। सो मैं दस दिया भी ये 1836 दे विच कवर नौ निहाल सिंह दी पलटन दे विच भी रहे सी, मतलब महाराजा रणजीत सिंह दे वेले सिख फौज दे विच भी रहे सीगे, पर महाराजा साहब जदों दुनिया तो रुस्तक हो के चले गए उस तो बाद फिर इन्हां ने फौज छड के अपने थां आ गए सी, धार्मिक राज सी गतिविधियां च भाग लैण लग गए सी, मतलब समाजिक गतिविधियां च भाग लैण लग गए सी। इन्हां ने सख्ती दे नाल नशे की मनाही कीती सी, सचम नूं बहुत तरजीह दिंदे सी, ते इस तरीके नाल जीवन नूं सुधार उच्चा करन दे लई इन्हां ने फैसले कीते। मतलब की है कि एक संत भी रहे ने, किसी समय सिख फौज दे विच भी अदा सेवा अदा की। 1891 दे विच कहा जांदा भी नामधारियों की गिणती 2000 दे करीब सी, उस तो बाद 1931 दे विच इन्हां दी गिणती 550 रह गई सीगी, मतलब गिणती दे विच थोड़े सी पर कुरबानियां दे मसले ते काफ़ी वड्डा नामना खट्टिया। मलेरकोटले जदों कांड होया सी उदों तोपां दे मूहरे खड़ खड़ के अपनियां कुरबानियां दित्तियां। रायकोट के कोल एक बस्सियां कोठी है, दस्या जांदा वी उत्थे कुके भाईचारे नूं वी रखदे, मतलब जो सिपाही सी कह सकदे आ कि नामधारी सिख सी उन्हां नूं उत्थे रख्या गया सीगा, उत्थे वी मतलब कई वारी जदों कुरबानियां दी गल चलदी आ तां इन्हां दीआं कुरबानियां वी कितना कितें सामने निकल के आउंदियां ने, ते इतिहासिक बोर्ड सी। सो दर्शको अगली वारी होर कोई नवां विशा लैके मिलदे हां, मेहरबानी, धन्नवाद।